ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे, बाबा के दिन की, हमारे गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आप सबको सदैव खुश रखें, हमारी बाबा से यही प्रार्थना है। तो आइए आज का दिन शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि जो बाबा की फैमिली है ये हर दिन प्रार्थना से शुरू होता है इसमें, है ना। लेकिन जो गुरुवार का दिन है ये शुक्राने से शुरू होता है। इस दिन हम मिलकर बाबा का शुक्राना करते हैं, इस दिन हम मिलकर बाबा को धन्यवाद कहते हैं कि बाबा बाबा आपका शुक्र है जो आप हमारी ज़िंदगी में हो। अगर आप नहीं होते ना तो पता नहीं हमारा क्या होता। बाबा की बदौलत हमारी सांसें चल रही हैं, बाबा की बदौलत हमारी ज़िंदगी चल रही है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। किसकी बदौलत? देवा की। तो देवा, बाबा सब पर कृपा करना, रहम करना, दया करना। तो आइए अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने शब्दों में, अपने अपने भाव के साथ, श्रद्धा के साथ बाबा के समक्ष हम सभी ने साईनाथ का शुक्राना करना है, बाबा को धन्यवाद कहना है उस हर चीज़ के लिए जो बाबा ने हमें बिना मांगे दी है, जो बाबा ने हमें भरपूर दी है, जिससे हम संतुष्ट हैं और आगे भी बाबा देते ही जा रहे हैं। हम कहते हैं ना ये हमने किया, ये हमने किया। अरे हमने क्या किया? हमारे बस में तो हमारी सांसें भी नहीं हैं, वो भी उसकी मर्ज़ी से चल रही हैं। वो जिस दिन रोक दे उस दिन हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि चल हमारे अंदर रही है, लेकिन हम अपनी सांसों को भी नहीं, अगर रुकी हुई सांसों को नहीं चला सकते और चलती हुई सांसों को रोक भी नहीं सकते। है हिम्मत? नहीं ना। तो फिर हम कौन से मालिक हैं? इस शरीर के भी मालिक नहीं हम, तो दुनिया के क्या मालिक बनेंगे हम, है ना। तो इसका भी मालिक वो है, दुनिया का भी मालिक वो है, इसलिए हम सबको याद रखते हैं, उसको ही भूल जाते हैं। तो जिस जिसको इस कलयुग में भगवान की याद बनी रहेगी उसकी नैया पार लग जाएगी। श्री साई सचरित्र में लिखा है कि कलयुग में नाम स्मरण ही आपको तार देगा। तो कलयुग में बाबा का नाम जपते रहिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम जपते रहिए। किसी भी धर्म से हैं आप, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर धर्म में भगवान है, है ना। तो अपने अपने मालिक को याद करते रहिए, आपका कल्याण होगा। बाबा की कृपा है जो हम इतने अच्छे से बोल पाते हैं, है ना। पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, मैं तो कभी कभी खुद सोचती हूँ अरे मैं कैसे बोल लेती हूँ। तो ये हम नहीं करते, सब मालिक करता है, सब बाबा करता है। उन्होंने इतने अच्छे कुल में हमें जन्म दिया, इतने अच्छे जगह पर लेके आए, इतने अच्छे से हमारा पालन पोषण किया, कोई कमी नहीं रखी बाबा ने, है ना। तो अगर हम अच्छे से बोल पाते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उसका शुक्राना क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए ना। तो चलिए, जो इस परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं तो वो ज़रूर कीजिए, शुरुआत कीजिए, शुभारंभ कीजिए अपनी ज़िंदगी में। साईनाथ को बुलाइए अपनी ज़िंदगी में, फिर देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है। कहते हैं एक दिन में देखो कुछ नहीं होता, कोशिश करते 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 आप ट्रेन उस चीज़ को ना बिल्कुल अच्छे से कर लेते हो। तब कहते हैं मुश्किल तब तक है जब तक आपने उसको देखा नहीं। जब आपने उसको करना शुरू कर दिया ना, फिर वो मुश्किल नहीं रहती, फिर वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। शुरू शुरू में जब हम बाबा से जुड़े थे तो जब श्री साई सचरित्र पढ़ने बैठे थे तो बहुत बोरिंग लगता था, अरे यार क्या है ये। लेकिन अब तो नहीं पढ़ते तो लगता है अरे कितना बोरिंग फील हो रहा है आज, कुछ ऐसा है जो नहीं किया होता है ना। तो ये सब आदत होती है, आप जिस जैसी आदत अपना लोगे वैसी पड़ जाएगी। इसलिए वो आदत को चुनिए जो आपके लिए अच्छी है, फ़ायदेमंद है, ठीक है। अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा। क्या क्या होता क्या पता है, इंसान जब बोता है ना बीज, वो तब नहीं देखता कि वो सही है कि नहीं है, जब उसको मिलता है फिर उसको पता लगता है अरे ये तो क्या मिल गया।
इसलिए हम क्या करेंगे, हम अच्छा बीज बोएंगे ताकि जब हम हमें मिले ना वो वापस हमारे पास आए तो एकदम बेहतरीन बन के आए, हम उसको देखकर खुश हों कि हमने कुछ अच्छा किया था, कुछ तो ढंग का किया हमने, ठीक है। इसलिए देखिए हर चीज़ आपके अनुसार होगी जब आप अपने मालिक के अनुसार चलना सीख जाओगे। कहता है ना वो कि तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ, तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। तो बस आपको क्या करना है, मालिक की रजा में राज़ी रहना है। एक दिन तो देगा वो, पत्थर का नहीं है, सब सुनता है, यहीं पर है वो, कहीं दूर नहीं है, मानने वालों के लिए है। तो चलिए आइए शुक्राना करके 11 वचन पढ़ते हैं, साईं संभाल लेंगे। तो हे श्री साईनाथ बाबा, हे मेरे मालिक बाबा, आपके चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं बाबा, हमारी प्रार्थना हमारी दुआ कबूल कीजिए मालिक। हम अच्छे बुरे भले जैसे भी हैं, आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे बाबा। आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारी आस भी तुम हो, हमारा विश्वास भी तुम हो, हमारी ज़िंदगी भी तुम हो, हमारी सांसें भी तुम हो, इस सृष्टि में जो भी हमारे पास है बाबा आपकी वजह से है, आपके कारण है। तो दया करना, कृपा रखना, हमारे अंदर कभी गुरूर की भावना ना आए बाबा, हम अहंकार से दूर रहें, हमारे अंदर मैं की भावना ना आए, हम सबका भला सोचें, सबका अच्छा करें, गलत पर गलत बोल सकें और सही का साथ दे सकें, इतना सक्षम बनाना मेरे बाबा। इस दीदार फैमिली के सदस्य चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं बाबा, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके घर में खुशियाँ हो, बरकत हो, मेरी आपसे ये प्रार्थना है। और आपने दी हुई हर चीज़ का तहे दिल से ये पूरा परिवार शुक्राना करता है मेरे मालिक। आपके चरणों में बैठकर अपनी ज़िंदगी में हर उस पल की जो हमने बहुत खुशी से गुजारा है और दुख में जो आपने हमारा साथ दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। मेरी शुक्राने को कबूल कीजिए, अपने इस बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और रहमो करम कीजिए मालिक। हमारा आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं है बाबा, एक आप ही सच्चे साथी हो, जिसे हम गर्व से कहते हैं हमारा बाबा है बैठा है ना, वो हमें कुछ नहीं होने देगा। तो इसी प्रकार हम प्रार्थना करते रहें, आपके चरणों में बैठे रहें, शिरडी आते रहें, आपका गुणगान करते रहें, ऐसी ही बाबा कृपा बनाए रखिएगा। जैसे आपने सबकी लाज रखी है वैसे बाबा हमारी भी रखना, जैसे हमारी रखी है वैसे सबकी रखना। और आज इस परिवार में नीलम मेश्रम जी की बर्थडे है, तो नीलम जी आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आपको हमेशा हर खुशी दे, बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आप सदैव आपकी झोली में बाबा खुशियां ही खुशियां दें और आपके परिवार में खुशियां बनी रहें। साईनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करें, हमारी बाबा से यही प्रार्थना है और आपको पूरे परिवार की तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बाबा हरीश कुमार जी और बबीता निगम जी की एनिवर्सरी है, इन्हें भी आशीर्वाद देना साईनाथ। और हरीश जी एंड बबीता जी को भी मैरिज एनिवर्सरी की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। मालिक आप सभी को सदैव खुश रखें और आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही साईनाथ सलामत रखें और हमेशा आपके परिवार में प्यार बना रहे, एक दूसरे का साथ बना रहे और सदैव खुशियां बनी रहे, हमारी बाबा से ये प्रार्थना है। तो आइए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए,
जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। ओम साईराम, जय साईराम।